नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 2014 में सबका साथ सबका विकास के साथ सत्ता में आई बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जब इस नारे में सबका विश्वास को भी जोड़ दिया तो मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने और भी ज्यादा प्रचंड मतों से जीत दर्ज की। विपक्ष समेत कई उदारवादी हमेशा बीजेपी पर सबका विश्वास तोड़ने का आरोप लगाते रहे, लेकिन बीजेपी सबको पछाड़ते हुए आगे निकल गई। विपक्ष हमेशा बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर पेश करता रहा, लेकिन मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर खुद को बेहतर साबित करने में किसी तरह की कोई चूक नहीं की। जहां एक तरफ लिबरल गैंग समेत कांग्रेस ने CNRC के विरोध को हमेशा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया, तो वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मोदी विरोधी गैंग के मुंह पर ताला लगाने का काम किया है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस का कहर पैर पसार रहा है, भारत में भी इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत ने इस वायरस से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रखी है। मोदी सरकार ने न सिर्फ भारत में रह रहे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है, बल्कि विदेशों से भी अपने नागरिकों को लगातार भारत लाना जारी है। भारत ने अब तक मालदीव, अमेरिका, मेडागास्कर, ईरान और चीन समेत कई देशों से अपने नागरिकों को वापस निकाला है। इसी कड़ी में अब कोरोना से ईरान में भी हालात बदतर हो रहे हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 611 हो चुकी है, तो वहीं ईरान में अब तक लगभग 12,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। अब इसी कड़ी में भारत सरकार ने ईरान में फंसे 234 भारतीय नागरिकों को वहां से सफलतापूर्वक निकाल लिया है। बता दें कि ये लोग भारतीय हैं और इन्हें मुसीबत से निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। यकीनन इन्हें मुसीबत से बचाते वक्त इनका मजहब नहीं पूछा गया होगा। जैसा कि पीएम मोदी कहते भी हैं कि उज्ज्वला योजना का लाभ देते समय उनकी सरकार किसी से नहीं पूछती कि वो हिंदू है या कि मुस्लिम। इसी तरह से ईरान से निकाले गए सभी लोगों की एक पहचान है, वो है भारतीय। लेकिन विपक्षी दलों और लिबरल गैंग को ये बताना जरूरी है कि भारत वापस लाए गए 234 भारतीय नागरिकों में अधिकतर मुसलमान शामिल थे। इनमें से 103 ऐसे थे जो मजहबी यात्रा पर ईरान गए थे, तो वहीं अन्य 131 छात्र हैं जो ईरान में पढ़ाई करने के लिए गए थे। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से लोगों को वापस लाया गया है। इसके पहले भी चीन के वुहान में फंसे कश्मीरी छात्रों को भी भारत वापस लाया जा चुका है। जहां एक तरफ मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि ये सरकार मुस्लिमों की नागरिकता छीनकर उन्हें देश से बाहर निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को हवाई जहाजों में भर भर कर भारत वापस लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ईरान में एक मेडिकल कैंप सेटअप भी तैयार कर रही है, जहां भारतीयों का मेडिकल टेस्ट कराने की योजना पर काम किया जाएगा, फिर उनके टेस्ट सैंपल्स को भारत भेजा जाएगा। इस खबर की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने लिखा कि ईरान से लौटे 234 लोगों में 131 छात्र और 103 तीर्थयात्री शामिल हैं। इसके लिए ईरान सरकार और भारतीय दूतावास को धन्यवाद। इस पर रिएक्शन देते हुए लोगों ने मोदी सरकार की तारीफ भी की। तारीफ करते हुए लोगों ने लिखा कि आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सुरक्षित भारत पहुंच गए। किसी ने लिखा कि आखिरकार सभी मुस्कुराते चेहरे घर वापस आ गए, सभी को उनके प्रयासों के लिए और इसे संभव बनाने के लिए धन्यवाद। तो वहीं किसी ने लिखा कि ये हिंदुत्व है, बहुत गर्व की बात है। इस पर कांग्रेस और अन्य उदारवादी कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। जहां सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड कर रही है, तो वहीं कागज नहीं दिखाएंगे गैंग के मुंह पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिन लोगों को भारत वापस लाया गया है उन्हें लाते वक्त उनसे उनका मजहब नहीं बल्कि सिर्फ नागरिकता पूछी गई होगी। और अगर लिबरल गैंग इस खबर पर अपनी राय रखेगी तो उनका प्रोपेगेंडा का पोल सबके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमें इस खबर को जानने और समझने के साथ साथ इस खबर को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। इस खबर को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों कागज नहीं दिखाएंगे गैंग और शाहीन बाग से अपना धंधा चलाने वाले लोगों की आंखें खुल जाएं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।